कोलोरियांग पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कुरुंग कुमे में 21 जुलाई को एक रिटर्न कंप्लेंट रिसीव हुई, जो कि इस बारे में थी कि एक नॉर्थ रखीमपुर का रहने वाला रेसिडेंट जिसका नाम अनारुल इस्लाम था, जो कि कोलोरियांग मार्केट में काम करता था, उसके भाई ने ये कंप्लेंट दी और ये शिकायत की कि 15 जुलाई से उसका छोटा भाई अनारुल इस्लाम जो है वो गायब है। और उसने अपनी कंप्लेंट में चार अक्यूज्ड के भी नाम दिए, जिसमें से एक का नाम था मिसेज रिया माया, जिसके साथ कंप्लेनेंट का कहना था कि उसके मिसिंग भाई के बिजनेस रिलेशन थे। दूसरा अक्यूज था रिया माया का हस्बैंड कामा बगंग, और इसके अलावा रिया तांग और पीटर नाम के भी अक्यूज्ड नेम किए गए थे FIR में। इसके अलावा एक आई विटनेस का भी मेंशन किया गया था। कंप्लेंट मिलते ही 21 जुलाई को पुलिस ने इसमें किडनैपिंग एबडक्शन का केस रजिस्टर करके इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया। DSP कोलोरियांग टोकन सारिंग, इंस्पेक्टर तेचीनेगा ओसी कोलोरियांग, SI मुंगरे और ASI डैनी सारके की टीम ने इसमें दिन रात इन्वेस्टिगेशन करी और फाइनली इसमें जितने भी अक्यूज थे उनको सबको एग्जामिन किया गया, एक्सेप्ट मिसेज रिया माया और कामा बगांग जो उसके हस्बैंड थे। उन दोनों की सर्च में टाइम लगा, इसलिए क्योंकि दोनों अपने घरों से गायब थे। इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी की गई और इसके अलावा निर्जुली नहर लगुन और कोलोरियांग में कई जगह उनके वेयर अबाउट्स, सस्पेक्टेड वेयर अबाउट्स पर रेड्स किए गए पुलिस टीम्स के द्वारा। फाइनली 31 जुलाई को पुलिस ने मिसेज रिया माया और उसके हस्बैंड कामा बगांग को अरेस्ट कर लिया। 6 दिन की पुलिस रिमांड ली गई दोनों अक्यूज्ड की और फाइनली जो हस्बैंड था मिसेज रिया माया का कामा बगांग, उसने इस घटना में अपना रोल को कन्फेस कर लिया। एज पर द कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड मिस्टर कामा बगांग, उनका ये कहना था कि ऐसा उनको शक हुआ और कुछ पता चला कि जो इसमें विक्टिम था अनारुल इस्लाम, उसके और कामा बगांग की वाइफ के बीच में कुछ संबंध थे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस थे। और ये जानने के बाद उसने गुस्से में आकर 15 जुलाई की सुबह को अनारुल इस्लाम को पक्कू बस्ती के पास से रास्ते पे उसको फोर्सफुली अबडक्ट किया और अबडक्ट करके एक जंगल में सुनसान जगह पे नदी के ऊपर फुट सस्पेंशन ब्रिज है वहाँ ले जाकर उसे मार दिया और उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया है। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, कामा बगांग का दिया हुआ ये कन्फेशनल स्टेटमेंट हमारे अवेलेबल बाकी एविडेंस से कोरोबोरेट करता है। और नदी विक्टिम की बॉडी के लिए नदी में विजुअल सर्च की गई है, लेकिन अभी मॉनसून के महीने में वो टेरेन काफ़ी इनएक्सेसिबल है, रिवर बैंक तक 2 फुट पहुँचना काफ़ी मुश्किल है और नदी में स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो है और वाटर जो है काफ़ी मडी हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी की सर्च में मुश्किल आ रही है। फिर भी पुलिस जो है बॉडी की सर्च को अभी भी कैरी ऑन कर रही है। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी और कोलोरियांग पुलिस स्टेशन में एक FIR भी लॉन्च की गई है 21 जुलाई को, जिसमें यहाँ पे एक असम के नॉर्थ लखीमपुर के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम है, तो जिनके रिलेटिव ने उनका मिसिंग का केस किया था कोलोरियांग पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद तुरंत ही पुलिस उसके छानबीन में जुट गई है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही पुलिस ने उसमें से 2 अक्यूज्ड को गिरफ्तार भी किया है अपने शक के आधार पे, और उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो लोग अभी पुलिस कस्टडी में हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि जो असम के कुछ बिजनेसमैन या ट्रेडर्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है। यह एक इंडिविजुअल केस है और इसमें जो असम के जो मोहम्मद इस्लाम है उनके परिजनों ने, रिलेटिव्स ने जो मिसिंग का कंप्लेन किया है, उसको हमारी कोलोरियांग कुरुंग कुमे की पुलिस जो है प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जैसे ही कोई सूचना मिलती है कि वो कहाँ पे है, पुलिस उसको खोजने में जुटी हुई है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो फिर आप लोगों को बताया जाएगा।
कुरियन टाउन में हेडक्वार्टर कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में अभी ऑलमोस्ट यहाँ में है जो 350 दुकानदार है और 350 दुकानदार में 70% नॉन ट्राइबल और वो लोग आउटसाइडर असम यूपी बिहार से आया हुआ है और अभी हम लोग यहाँ में बिजनेस हम लोग अच्छा से चल रहा है और हम सिस्टम बना दिया कोई कोई नॉन ट्राइबल को हम सब्जी दुकान बना दिया कोई कोई लोग ये मोबाइल कोई कोई लोग होल सेलर भी बेच रहे हैं और कोई कोई लोग क्या बकरी से मीट भी कट रहे हैं मछली सब्जी अलग अलग सिस्टम में बना के हम लोग मिलजुल के बेच रहे हैं और इसे और यहाँ में फैमिली वाला लेके ज़्यादातर यहाँ में फैमिली वाला है और सिंगल वाला भी है तो उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं हम सिस्टम में रह रहे हैं मिलजुल के रह रहे हैं और उसमें हम लोग कोडिंग में ऐसे बोलता है कि हम लोग कोडिंग कुरुंग कुमे कोलकाता कथी डिस्ट्रिक्ट नहीं हम लोग बिल्कुल अभी तक हम लोग यहाँ में कोडिंग में ये प्रॉब्लम नहीं आया केस पुलिस में कहीं भी हम लोग केस अभी तक हम नॉन ट्राइबल और या ट्राइबल के बीच में ये सब प्रॉब्लम हो नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ है। हम मछली मुर्गी का दुकान कर रहे हैं हम असम से सब्जी मछली मुर्गी ले रहे हैं दुकान कर रहे हैं हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। सोशल मीडिया में जो बोल रहे हैं वो तो गलत है हम लोग को तो कोई ऐसा नहीं बोला है भगाएगा कुछ करेगा कुछ भी नहीं है हम लोग का हम सिर्फ दुकान करता है कोई बाजार में प्रॉब्लम होने से हम इधर से 10 ईयर्स हो गया हम कोलोरियांग में बिजनेस कर रहे हैं। कहाँ का है? मेरा घर लखीमपुर में लखीमपुर आपका डिजू साइड में खाना जान का है मेरा घर जो हम लोग एक सोशल मीडिया में एक तो जो घटना चल रहा है असम में जो एक तो कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है जो एक आदमी इधर में कुछ हुआ है बोल के तो ये लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है लेकिन इधर में जो वो लोग बोल रहे हैं जो को किडनेपिंग किया है पैसा डिमांड किया है वो ऐसा सुनाई नहीं दिया हम लोग को इधर में हम लोग ऐसा सुना है जो कुछ कोई औरत का साथ अफेयर था इधर में ऐसा उसका अपना इंडिविजुअल लफड़ा है वो तो कानून उसका लफड़ा जो अभी कानून में चला गया वो कानून देखेगा लेकिन इधर का जो आदमी लोग कोई कोई बोलता है इधर का आदमी लोग को भगाएगा ये करेगा दुकानदार का प्रॉब्लम होगा लेकिन ऐसा हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है।